आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको सिम कार्ड से रिलेटेड अपने फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि अगर आपकी सिम कार्ड आपके फ़ोन में वर्क नहीं कर रही है, यानी कि आपकी सिम कार्ड के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं जिससे कि यहाँ पर आपका सिम कार्ड आपके फ़ोन में वर्क करने लग जाएगा और आपकी सिम के यहाँ पर नेटवर्क आ जाएंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है या फिर आपके सिम कार्ड के साथ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर फ़ोन की प्रॉब्लम आप चेक कर सकते हैं अपने फ़ोन के IMEI नंबर चेक करके। तो डायलर को ओपन करिए जिससे कि आप कॉल यहाँ पर डायल करते हैं। उसके बाद एक कोड एंटर करिए, *#06#। ये कोड एंटर करने के बाद आपको आपके फ़ोन के दो IMEI नंबर शो हो जाएंगे। अगर आपको शो होता है इनवैलिड IMEI या फिर आपको शो होता है ब्लैंक स्क्रीन, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं होता है, तो इसका मतलब है आपके फ़ोन में यहाँ पर प्रॉब्लम है। आपको अपने फ़ोन को रिपेयर कराना पड़ेगा। अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर पर जाकर आप ये प्रॉब्लम बता दीजिए और वहाँ पर आपका यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है, अगर आपको IMEI नंबर शो कराता है तो ओके करके बैक आ जाइए। फ़ोन की सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पर सबसे पहले चेक करिए अगर आपके फ़ोन में एयरप्लेन मोड यहाँ पर ऑन है। इस टाइप से फ्लाइट मोड या फिर एयरप्लेन मोड ऑन है तो आप इसे बंद करिए, और बंद करने के बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको सिम वन मिलेगा, सिम वन पर क्लिक करिए। अगर आपने सिम को चालू नहीं कर रखा है यहाँ से, तो सिम को यहाँ से इनेबल करिए इस पर क्लिक करके। और यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे एक ऑप्शन प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, इस पर क्लिक करके आपका 4G सेलेक्ट रहना चाहिए। तीन या चार ऑप्शन आपके फ़ोन में आपको मिल जाएंगे, तो 4G या फिर LTE का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बैक आइए और आपको मिलेगा यहाँ पर कैरियर का एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करके। अगर आपका ऑटो सेलेक्शन ऑन नहीं है तो आप इसे ऑन कर दीजिए। यहाँ पर उसके बाद ये नेटवर्क सर्चिंग लेगा और उसके बाद आप अपना नेटवर्क ऑपरेटर सेलेक्ट करके इसे फिर से ऑन कर सकते हैं। उसके बाद फिर से बैक आइए और यहाँ पर सेम सेटिंग्स सिम टू में अप्लाई कीजिए। इनेबल करिए सिम कार्ड को अगर इनेबल नहीं है, और नीचे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पर क्लिक करके आप 4G को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बैक आने के बाद सेम कैरियर पर क्लिक करके अगर आपका ऑटो सेलेक्शन ऑन नहीं है तो इसे अलाउ यानी कि ऑन कर दीजिए। उसके बाद बैक आ जाइए और ये सब सेटिंग्स करने के बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जो कि 4G वोल्टी डुअल 4G सपोर्ट नहीं करता है, और अगर आप उसमें जियो की सिम यूज़ कर रहे हैं और दूसरी सिम मान लीजिए एयरटेल या फिर वोडाफोन की है, और अगर आप एयरटेल या फिर अपनी किसी और सिम का नेट यूज़ करते हैं, तो आपके उस फ़ोन में हो सकता है जियो के नेटवर्क नहीं आएंगे। तो अगर आपका फ़ोन डुअल 4G सपोर्ट नहीं करता है तो आपको उसमें जियो का ही डेटा यूज़ करना है, तभी आपके नेटवर्क यहाँ पर आएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। और उसके बाद बैक आइए, यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं होती है तो नीचे सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग्स पर क्लिक करिए। उसके बाद नीचे आकर बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक करिए। उसके बाद इरेज ऑल डेटा पर क्लिक करिए। ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, इस पर क्लिक करिए। फ़ोन का लॉक एंटर करिए और यहाँ पर आपको मिलेगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपकी नेटवर्क सेटिंग्स यहाँ पर रीसेट हो जाएगी। ये करने से आपका कोई भी डेटा डिलीट या फिर कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो आप इस प्रोसेस को करके चेक कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी कर लिया है तो इसे कैंसिल करते हैं, बट आपको इस प्रोसेस को करने के बाद अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सिम कार्ड को किसी दूसरे फ़ोन में लगाकर चेक कर लीजिए। हो सकता है आपके सिम कार्ड के साथ प्रॉब्लम हो, या फिर किसी और फ़ोन में आपके सिम कार्ड वर्क कर रहे हैं तो हो सकता है आपके फ़ोन में कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम होगी, तो वो आप अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर पर जाकर रिपेयर करा सकते हैं।
बट यहाँ पर ये प्रोसेस करने से काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।